दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है ग्रामीण विकास विभाग के लिए पंचायत राज के द्वारा यहाँ पे जो है जेई एंड लेखापाल की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है जो कि काफ़ी सारे पदों के लिए आपको यहाँ पे जो है निकाली जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपको नीचे में जो बतलाई गई कि ग्रामीण विकास विभाग पंचायत राज द्वारा 15वें वित्त आयोग मद की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को विमुक्त की जा रही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा ONM पूंजीकृत व्यय के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है पंचायती राज के द्वारा जो है जेई एंड लेखापाल की रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाएगी। तो इसका जो ओपनिंग की डेट आपको यहाँ पे जो है अभी मेंशंस नहीं की गई है। तो जैसे ही इसका जो ओपनिंग डेट यहाँ पे जो है इस फॉर्म को भरने की जो डेट आपको यहाँ पे निकाली जाएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर इस चैनल में पहली बार अगर आप आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो आप बनाऊँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो आपका पोस्ट आपको यहाँ पे रखी गई है जिसमें कि कनीय अभियंता के लिए रखी गई है, इसमें टोटल आपको यहाँ पे 526 पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप कनीय अभियंता में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे 17,000 पर मंथ आपको सैलरी आपको दी जाएगी। एंड सेकेंड में यहाँ पे जो पोस्ट है लेखा लिपि सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, तो यहाँ पे जो लेखा सीपी यहाँ पे इसमें आपको 869 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। तो अगर आप जो है लेखा लिपि सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको 10,000 पर मंथ आपको सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आगे में यहाँ पे जो मेंशन की गई कि ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों पर एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायतों योग्य अभ्यर्थी के सेवा अनुबंध कर सकेगी। तो यहाँ पे आपको जो है जो आपका नियर में जो ग्राम पंचायत होगा उन्हीं में जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग किए जाएंगे जो कैंडिडेट इनमें सिलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो कनीय अभ्यंता के लिए जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस या आरक्षण नीति आपको यहाँ पे जो बनाई गई है तो यहाँ पे कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है तो जो अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60% अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आपका जो है 50% यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर आपने अगर आप डिप्लोमा अथवा अगर आप समकक्ष अगर आप जो है 60% से उत्तीर्ण किए होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आप SC ST होंगे तो अगर आप उसमें 50% भी लाए होंगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाओगे। एंड आगे में यहाँ पे वांछनीय जो योग्यता रखी गई है तो इसमें आपका संबंधित क्षेत्र में उच्चतर आपका यहाँ पे होनी चाहिए। जो एज की यहाँ पे बदलाई गई है तो कनीय अभियंता यानी कि जो JEE के लिए आपको अधिकतम जो है 40 ईयर्स आपको यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा वैसे अभ्यर्थी जिन्हों अगर ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें जो है अधिकतम आपको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे में यहाँ पे जो चयन की प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है तो जो सिलेक्टेड आपको यहाँ पे कैसे ली जाएगी, तो यहाँ पे जो जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा की जो की जाएगी। तो जो आपका यहाँ पे जिला के जो आपका यहाँ पे स्तरीय जो लोग यहाँ पे अनुशंसा की जाएगी, उपायुक्त से आपको अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, निदेशक DRDA, ये सब के माध्यम से आपको यहाँ पे जो मेघा सूची आपको यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। तो मेघा सूची में देख पा रहे कि जो सभी पदों के लिए आपको खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र जो है आपको यहाँ पे प्राप्त किए जाएंगे। सेकंड में आपको जो है उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्रारंभिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान है तो जाँच यहाँ पर परीक्षा सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। सी पॉइंट में यहाँ पे बताएगी कि अंतिम मेघा सूची में पदवार रिक्त का दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट में जो है 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे वैध होगा, उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे जो वर्क में एक्सपीरियंस जो आपका अच्छे से रहेगी तो उसमें जो है आपको एक्सटेंड कर दी जाएगी। आगे में यहाँ पे जो मूल्यांकन आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो मूल्यांकन में आपको अभ्यर्थियों का मूल्यांकन जो है आपको 100 अंकों पर यहाँ पर किया जाएगा जो कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से 50 यहाँ पर बोले गए, वांछित योग्यता से 10, अनुभव से 30 एंड विषय ज्ञान से 10, टोटल योग यहाँ पे 100 आपको यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा जो कि यहाँ पे बताई गई कि विषय ज्ञान संबंधी जांच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर जो आपको 40% आपको रहेगा यानी आपको 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। ये तो आपको जो है कनीय अभियंता के लिए था। आगे मैं यहाँ पे जो लिखी जो आपका लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो आपको यहाँ पे मांगी गई जो शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से न्यूनतम अगर आप जो है 50%
अंकों के साथ अगर बीकॉम या फिर बीएससी गणित सांख्यिकी में या फिर बीए गणित सांख्यिकी अथवा समकक्ष डिग्री कर रखे होंगे तो आप जो है इनके आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे न्यूनतम 40% भी अगर आप लाए होंगे तो आप जो है लेखन लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो वांछनीय योग्यता एवं जो अनुभव रखी गई है इसके लिए संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव की यहाँ पे प्राथमिकता यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो लेखा लिपिक के लिए जो आपका अधिकतम 40 वर्ष आपको यहाँ पे रखी गई है, और वैसे अभ्यर्थी जो ग्राम पंचायतों में अगर आप जो है 14वें वित्त आयोग से संबंधित अगर कार्यों का अनुभव होगा तो उनको यहाँ पे 3 वर्ष की भी इसके लिए भी छूट यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें भी जो चयन की प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाई गई कि उपायुक्त से आपको यहाँ पे अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त से आपका सदस्य होंगे, जो जिला लेखा पदाधिकारी अथवा आपके यहाँ पे सदस्य होंगे, ये सब आपका यहाँ पे प्रोसेस आपको होने वाली है चयन के लिए। तो यहाँ पे जो है मेघा सूची तैयार करने की जो पद्धति है आपके यहाँ पे ये कंडीशंस बताई गई कि सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। एंड सेकेंड में आपका उपरोक्त प्रारंभिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। एंड सी पॉइंट में यहाँ पे जो बताई गई कि अंतिम मेघा सूची में पदवार रिक्ति के जो दुगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे वैध होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेघा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीयता को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन से यहाँ पे जो है आपको सिलेक्टेड आपको की जाएगी। एंड जो मूल्यांकन इसके लिए भी जो लेखा लिपिक के लिए भी आपका जो मूल्यांकन आपको यहाँ पे 100 योग का रहेगा, जिसमें कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 एंड वांछित योग्यता 10, अनुभव से 30 एंड कंप्यूटर ज्ञान से आपको यहाँ पे 10% का यहाँ पे जो है आपका मूल्यांकन होने वाली है। तो आवेदन करने के जो आपको यहाँ पे प्रोसेस आपको यहाँ पे बतलाई नहीं गई है, तो जैसे ही इसका डेट आती है तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बना के जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी आपको ली जा रही है, तो जो लोग कनीय अभियंता अगर आप जेई के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको यहाँ पे 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे लिए जा रहे हैं जो कि सामान्य कैटेगरी के लिए। एंड जो लोग यहाँ पे एससी एसटी या फिर महिला कैंडिडेट होंगे तो उनको यहाँ पे 300 रुपये आपको एप्लीकेशन फी के तौर पर आपको यहाँ पे ले जाएंगे। जो लोग यहाँ पे लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो उन लोगों के लिए 500 आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे ली जाएगी। एंड जो लोग एससी एसटी या फिर महिला कैंडिडेट होंगे उनको 300 रुपये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी के तौर पर आपको यहाँ पे लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसका जो कंडीशंस दिए गए हैं तो आप इसका अच्छी तरह से रीड करके भी आप जो है अगर जिस टाइम इसका फॉर्म का डेट आती है ओपन करने की उस टाइम तक जो है इसको पढ़ के समझ करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट है आपको जो है अपने पंचायत में ही आपको यहाँ पर जॉब के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट की जाएगी। आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की डाउट होगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं आप बनाऊँ तो आपके पर नोटिफिकेशन के तौर पर आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी।